तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। 140 कोटी लोगों को आशीर्वाद मो सुरक्षा कवच। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है। आलोचना नुहे, आरोप राजनीति रे व्यस्त विरोधी मोदी प्रचंड वक्तव्य, विरोधी को तुहा को तुहा आक्रमण, यूपी रे दुर्नीति चिट्ठा खोलिले प्रधानमंत्री, संसद रे प्रकंपित हला नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक भाषण, विकास एकमात्र लक्ष्य, देशर जनता पलटुछि दक्ष, डिजिटल इंडिया रो बाजुछि डंका, विश्व करुछि भारतर प्रशंसा, ये नुआ भारत, नुआ परिचय पाइथिबा समृद्ध देश। हेले 2004 रु 2014 जाए देशर अवस्था कौन थिला थरे चिंता करंतु। 2G ठारु आरंभ करि राज्यगोष्ठी क्रीड़ा पुणि आतंकवादरे थरुथिला पूरा जम्मू काश्मीर उत्तर पूर्व, आज भारतर ना शुणिले थरुछन्ति आतंकी सरदार, निम्नगामी अर्थव्यवस्था पुणि दुई संख्यारे थिबा मांदावस्था। आज संसदरे राष्ट्रपतिक अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव अवसर विरोधी खूब बर्षि प्रधानमंत्री मोदी, वक्तव्य आरंभ राष्ट्रपति प्रशंसा करते प्रधानमंत्री, गणतंत्र मुखिया हिसाब से राष्ट्रपति उपस्थिति ऐतिहासिक कहवास, राष्ट्रपति अभिभाषण को 140 कोटी जनता उत्सव रूपे पालन कर प्रधानमंत्री, सेपरी जन बड़ नेता राष्ट्रपति अपमान कर मोदी। गणतंत्र के मुखिया के रूप में उनकी उपस्थिति ऐतिहासिक भी है और देश की कोटि कोटि बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का। जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो रहा था, कुछ लोग कन्नी भी काट गए और एक बड़े नेता महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान भी कर चुके हैं, बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वह मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा से बाहर आकर आज देश और देश की पहचान तेज विकास और दूरग्रामी दृष्टि से लिए गए फैसलों के लिए हो रही है। इतनी बड़ा महामारी रे विभाजित विश्व युद्धर विनाश मध्यरे अनेक देश अस्थिर हो पड़िछन्ते, अनेक देश रे दर वृद्धि आकाशवा होइछि, खाद्य पानी रो घोर संकट जारी रहिछि, बेरोजगारी को ने चिंता रहिछन्ते अनेक देश, आउ एभली समय रे भारत आत्मविश्वास रे भर रहिछि, विकास मार्ग रे अग्रसर हेउछि बोली कहिछन्ते प्रधानमंत्री। 9 साल में आई हुई ये भयंकर बीमारी महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति, बटा हुआ विश्व, इस स्थिति में भी, इस संकट के माहौल में भी देश को जिस प्रकार से संभाला गया है, देश जिस प्रकार से संभला है, इससे पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है, गौरव से भर रहा है। मोदी सरकारे भारत को कौन मिली? पूरा विश्व आज भारत को सकारात्मक चिंताधारा सृष्टि कर भारत उपरे विश्वर भरोसा बढ़ी। G20 रे अध्यक्षता करबा को भारत को सुजोग मिली, जहाँ 140 कोटी देशवासी गौरवर विषय। मोबाइल उत्पादन में भारत विश्व में द्वितीय स्थान रही, डोमेस्टिक एयर ट्राफिक आज विश्व में तृतीय रही भारत। वन नेशन वन राशन जो प्रति गरीबों को राशन मिली, 9 कोटी लोकों को गैस संजोग मिली, पीएम किसान योजन उपकृत होती 11 कोटी चाषी,
ବର୍ଷକୁ ତିନି ଥର କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଉଛି ଅର୍ଥରାଶି। 11 କୋଟି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 8 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନଳ ଯୋଗେ ଜଳସଂଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ 2 କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 କୋଟି ବାସହରାଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଛି ଘର। 140 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ। 2014 ପରଠାରୁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ମିଳିଛି। 9 ବର୍ଷରେ 17 ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ହାଲ୍କୁ କେତେ ଗାଳି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଜି ହାଲ୍ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲିକପ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଡର ହାଲ୍କୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି। ହେଲେ ଏତେ ପରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଦୁଃଖୀ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया और इतना ही नहीं, अपने करोड़ों नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन के टीके लगाए। इतना ही नहीं, 150 से ज्यादा देशों को इस संकट के समय हमने जहां जरूरत थी वहां दवाई पहुंचाई, जहां जरूरत थी वहां वैक्सीन। ସେପରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ନ ନେଇ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପିଏମ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ଆରୋପର କଡ଼ା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ପିଏମ୍। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ସିକ୍ୱାର୍ଡ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ଗୃହରେ ରହିପାରିନଥିଲେ କିଛି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ। ମୋଦିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କୁ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।